السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. क्या ये देखते नहीं कि हमने रात को इसलिए बनाया ताकि इसमें आराम करें और दिन को दिखलाने वाला बनाया ताकि लोग इसमें देखें, दौड़ भाग करें माश के लिए। यकीनन इसमें ईमान वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। नाज़रीन किराम, सूरह नमल की ये 86 नंबर आयत है। एक बड़े अहम मैटर और मसले पे इस पर अल्लाह ने हमारी रहनुमाई की है। मौजू क्या है, मैटर क्या है? मैटर आप देखिए कि एक बड़ी वबा या बीमारी हमारे समाज में फैल रही, वो क्या? रातों को जागना। हमारा मुस्लिम समाज इस वक्त रातों को जागता है। आप कहीं भी जाइए, मुसलमान महल्लों में रात को 12 बजे 1 बजे तक बच्चे नक्कड़ों पे चौराहे पे जागते रहेंगे। होटल है, दुकानें हैं चाय की, 2-2 बजे तक खुली रहती है, गप शप करते हैं। फजर से पहले घर आएंगे, नमाज छोड़ देंगे और 10-11 बजे सो करके उठते हैं। ये हमारी आवारगी, पेराहरवी और फितरत से इन्हराब भी है और सामाजिक लिहाज से भी बड़ा ऐब है। और फिर कुरान करीम की जो रहनुमाई है, दीन फितरत की जो तालीम है, उसके भी हम खिलाफ चल रहे हैं। अवलम यरौ अन्ना जअलना लैला लियस्कुनु फी, फरमाए कि हमने रात को इसलिए बनाया ताकि लोग इसमें आराम करें। यानी जब ज़रूरत सख्त हो तभी रात को सफ़र किया जाए या फिर रात को कोई काम करे आदमी, वरना उमूमी तौर से रात आराम के लिए है। वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना लिबासा वजअलना नहर माशा, पूरी आयत पढ़िए कुरान की बार बार। तो अल्लाह ने नौम को, नींद को सुकून का ज़रिया बनाया, रात को लिबास बनाया, दिन को रोज़ी रोटी हासिल करने का ज़रिया बनाया। लेकिन आज हम अपने समाज में, ख़ास तौर से टीवी आई शुरू में, फिर उसके बाद मोबाइल आया, फिर नेट आया, फिर 2G 3G 4G और फिर न जाने कौन कौन सा जी आएगा, और फिर उसके बाद ये जो अलग अलग गेम आ गए, अलग अलग प्रोग्राम्स आ गए, हमारी पूरी जनरेशन, नई जनरेशन तो ख़ास तौर से रात को बिस्तरों में छुप करके, चादरों में छुप करके, वालिदैन से की निगाहों से छुप करके वो मोबाइल के गेम में मसरूफ़ रहती है। आज देख लीजिए, वालिदैन परेशान हैं, टीचर परेशान हैं। अब बाज़ दफ़ा ऐसे वाक़यात हुए कि क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, पीछे बैठने वाले बच्चे या बच्चियां मोबाइल में गेम देख रहे हैं, ऐसे भी वाक़यात हुए हैं। क्या करें, कितनी बड़ी वबा है। रात को रात भर लोग जागते हैं, रात को गेम देखते हैं, गपशप करते हैं नुक्कड़ों पे, होटलों पे, रोड पर गपशप करते हैं। ये चीज़ें फितरत के ख़िलाफ़ है। अल्लाह ने कहा कि हमने रात को आराम का ज़रिया बनाया और दिन को दौड़ भाग करें, दौड़ भाग करें रोज़ी रोटी हासिल करें। सुकून कहाँ मिलता है? सुकून दीन फितरत में मिलता है। इसीलिए बाज़ अहले इल्म ने लिखा है कि रात की इब्तदाई हिस्से, रात के इब्तदाई हिस्से की चंद घंटे की नींद पूरे दिन की नींद उसका मुकाबला नहीं कर सकती। यानी रात को अगर कुछ आराम कर ले बंदा, और खुसूसन रात के पहले हिस्से में, यानी 10 बजे 11 बजे आप सो जाएं वो नींद, और सुबह 4 बजे सोएं वो नींद, उसमें फ़र्क है। फिर दिन की नींद में और रात की नींद में फ़र्क है। यानी आदमी सोते हुए भी अपनी नींद का लुत्फ़ नहीं ले पाएगा। आज गैर मुस्लिमों को देखिए, आखिर क्या वजह है? गैर मुस्लिम अपने बच्चों की जिस अंदाज़ में तरबियत करते हैं, 8 बजे 7 बजे 9 बजे उनके महल्लों में सन्नाटा हो जाता है, बच्चे पढ़े खेले कूदे सो गए। मुस्लिम महल्लों में आप जहाँ से भी गुजरिए 1 बजे 2 बजे तक शोर हंगामा गप शप चलता है। यानी जो तालीम इस्लाम की है, जिस तालीम को अपना करके इस्लाम ने हमारी तरबियत दी है बेहतरीन, और जिसे अपनाना चाहिए, आज हम उसको नहीं अपना रहे हैं, गैर कौमों ने इसको अपना लिया है। तो अल्लाह ने इस आयत में हमें एक सबक दिया कि ज़िंदगी कैसी गुजारनी चाहिए। गैर कौमों ने मुआशरत का जो तर्ज है कामयाबी का, वो तो ले लिया, ईमान की नेमत से महरूम रह गए। ईमान
हमारे पास है, मगर रात को जागने की वजह से फजर की नमाज से महरूम हो गए। रमज़ान के मौके पर रातों को, अब तो 2 साल से लॉकडाउन में रमज़ान पड़ रहा है, वरना पूरा रमज़ान हमारी पूरी कौम रात भर जागती, सहरी खा के सो जाती, फजर में भी लोग गायब रहते थे। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने बड़ी प्यारी मिसाल दिया इन आयतों में कि किस तरह इंसान अल्लाह की तौजीह और रहनुमाई में चल करके कामयाबी हासिल कर सकता है, और अल्लाह की दी हुई रहनुमाई यही इंसान की कामयाबी का ज़रिया, यानी सुकून भी मिलेगा, कामयाबी भी मिलेगी। तो इस आयत में अल्लाह ने एक कुदवा, एक आइडियल दिया हमें कि अल्लाह के निज़ाम दिए हुए निज़ाम ज़िंदगी पर तुम जियोगे तो दिल का सुकून पाओगे, रोज़ी रोटी के लिए दिन में दौड़ोगे, अल्लाह ताला तुम्हें माश और रोज़ी भी देगा, और अल्लाह का फ़ज़ल हर हाल में बंदा याद रखे। अल्लाह ने जीने का, खाने का, पीने का, सोने का तरीक़ा सिखाया। एक यहूदी ने जब सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों पे तंज किया कि तुम्हारे रसूल तो छोटी बड़ी हर चीज़ सिखाते, पेशा पार खाने की भी चीज़ें सिखाते, यानी इस्तेहज़ा और मजाक किया, तंज किया रसूल पर, तो सहाबी रसूल ने कहा कि हाँ, हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है कि हम जब पेशाब पैखाना करें तो किबले की तरफ हमारा रुख नहीं होना चाहिए, न पुश्त होनी चाहिए। उसने तंजन कहा और इन्होंने एक नबवी तालीम उसके सामने रख दी और कर दी। तो अक्लमंद इंसान की निशानी यह है कि अल्लाह की तरतीब से फ़ायदा उठाए। गैर कौमें जिस बात को तंज के तौर पे पेश करती थी, सहाबे किराम नबवी तालीम पेश करके फ़ख्र से पेश करते थे। आज कितना प्यारा सिस्टम होगा कि अगर हम अपनी फजर से अपनी सुबह शुरू करें, रात को जल्दी सो जाएं। मेरे भाइयों, इसीलिए कहते हैं कि अगर दुनिया में कुछ करना है तो ऐसी सूरत में सवेरे उठना पड़ेगा। सवेरे उठना है तो रात को जल्दी सो जाना पड़ेगा। आप गार्डन में जाइए, पार्क में जाइए, समुंदर के किनारे जाइए, गैर मुस्लिम नौजवान, गैर मुस्लिम कौमें सुबह सुबह पूरा वॉकिंग करते हुए नज़र आएंगे। हमारी मस्जिदें भी खाली हैं, हमारे नौजवान भी सोते हुए नज़र आएंगे। घर की औरतों के बारे में कंप्लेन है कि बेशतर औरतें अब वो भी रात को नेट देखती हैं, मोबाइल देखती हैं, और उसके बाद देर तक सुबह तक सोती हैं, तो अल्लाह की फटकार कितनी बड़ी पड़ेगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना नाराज़ होगा। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह का ये पैगाम, अवलम यरौ अन्ना जअलना लैल लियस्कुनू फीह वन्नहार मुबसिरा इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमिन युमिनून। ईमान वालों के लिए इसमें निशानियाँ हैं, मगर हम लोग इन निशानियों से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। यानी अल्लाह पर जितना ज़्यादा ईमान होगा उतना ज़्यादा इन निशानियों से फ़ायदा उठाएंगे। अब हम फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, गोया हमारा ईमान कमज़ोर होता जा रहा है। ईमान का जो मेयार मतलूब है बुलंदी के लिए, उस मेयार तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस इलाही तरतीब से हमें फ़ायदा उठाने की तौफीक बख्शे, और दीन फितरत की जो बारीकियां हैं, जो खूबियां हैं, इन्हें अपनाने, अपना कर गैरों तक पेश करने की तौफीक बख्शे। हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ और हमारी जनरेशन को हिदायत अता फरमाए कि सोने जागने का अपना एक शेड्यूल बनाएं, नमाजों की पाबंदी करें, और बिला वजह गेम वगैरह खेलना, सोशल मीडिया से जुड़े रहना, यानी एक बंदा नमाज़ पढ़ रहा है, नमाज छोड़ करके दिन की तबलीग कर रहा है, सोया है, जमात खड़ी है, और व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहा है दिन की दावत के लिए, ये कौन सी दावत है? मेरे भाई और दोस्तों, दीन फितरत का एहतराम, उस पर चलना, इसी पर कामयाबी है। अल्लाह हमें इसकी तौफीक बख्शे। आमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबी अजमईन। नाज़रीन किराम, हमें उम्मीद है कि ये रातों को जागने और सोने जागने से मुतालिक जो हिदायत आपने सुनी, इससे आप इंशाअल्लाह फ़ायदा उठाएंगे और अपना एक टाइम टेबल बनाएंगे, और वक्त पर सोना, वक्त पर उठना, वक्त का इस्तेमाल सही करना, इंशाअल्लाह इस पर तवज्जो देंगे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मज़ीद इसके बाद की आयतों की तफसीर के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, आयत नंबर 87-88 लेकर के। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दीन की बात आम करने में आई प्लस टीवी की मदद करें। पेटीएम
या गूगल पे के लिए हमारे नंबर्स पर ट्रांसफर करें। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें